पहले जो भाई साहब हैं, ये बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक थैंक यू यू सो मच तो इनकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है चिड़िया खाना ये दो जून को रिलीज हो रही है थोड़ा अंदर गया सबसे पहला स्टूडियो से दरवाजा खोला किसने गोवेन इलाने उनको लग रहा होगा कि अरे यार, यार ये सूटकेस सूटकेस लेके कौन आ गया इधर अचानक भरत रंग आचार्य ने अनाउंस किया था परिवर्तन बना रहा है। तो अनुराग ने मेरे को बोला यार हम लोग जाके इधर इसको दिखा दें क्या बड़े भाई साहब इन लोगों ने परफॉर्म किया सब बोला कि यार बहुत ही अच्छा किया लेकिन हु वाज दैट गाय हु केम इन द बिगनिंग युवेन जब आया तो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई उन्हीं के फंड से दे हैड फंड्स दे सेंट मी टू तिब्बत फिर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाया रामनगर करके मेरे नानी के भाई महाराजा बनारस थे ऑफ 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 टाइम टाइम आई आई चल और बारे में बताओ आप इरफान भाई भी या थिंक इट वाज वन इरफानस बेस्ट वर्क मर्डर 2 में आपका एक बड़ा दिलचस्प रोल है पहली बार जब मैंने वो अनारकली पहन के जो मैं महेश भट्ट के सामने बैठा था ना मतलब महेश भट्ट जो है ऐसे बस मेरे को देखता ही रहा बस वो बस इतनी मौज आ रही है सुबह सुबह आके एक बार में बैठ गए हैं लेकिन आसपास शराब नहीं है काली चाय है भरपूर नींबू के साथ ये अलग से बोलना पड़ता है कहीं होटल में जाओ आप नींबू मांगो तो वो लिली की तरह नींबू का छोटा सा टुकड़ा दे देते हैं ज़िंदगी भरपूर होनी चाहिए बातें भी हचक के होनी चाहिए इसलिए लल्लन टॉप अड्डा में आज हमारे जो दो मेहमान हैं उनसे उनके जीवन को लेकर उनके कर्म को लेकर बढ़िया से हिसाब किताब करेंगे सवाल पूछेंगे संवाद करेंगे पहले जो भाई साहब हैं ये बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं इसलिए क्योंकि इनके घर में मालिकाना हक इनके अलावा कुत्ते और बिल्लियाँ भी रखते हैं और ये देवियों सज्जनों बड़ा रेयर है सो so यू आर आधर अ डॉग पर्सन और अ कैट पर्सन दोनों साध लिए तो आप लगभग निर्वाणा की दहरी पर खड़े हैं बन्ना पुलिस वाला चाहते थे इम्तिहान भी पास कर लिया लेकिन नाटक नौटंकी ऐसी कि जा ही नहीं पाए जिस दिन इनका फिजिकल टेस्ट होना था खूब सारी चीज़ें की बम्बई गए वहाँ पर आर्ट डायरेक्शन का, का काम किया म्यूज़िक का, का काम किया और फिर एक्टिंग भी करने लगी अनुराग कश्यप शाहरुख खान सबके के साथ एक्टिंग की पर एक्टिंग करनी नहीं थी पर अब एक्टिंग ही करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं और जो बड़े एक्टर्स के बारे में एक ख़ास चीज़ कही जाती है अंग्रेज़ी का एक शब्द है रिल्कटेंस दिखता है एक्टिंग नहीं करते हैं लगता है कि कोई है जो बस बात कर रहा है अपने में गुमसा है

ऐसा ही होना चाहिए है ना अड्डे में ये भाई साहब मनीष तिवारी हैं और ये फिल्में बनाते हैं पहली फिल्म बहुत बढ़िया बनाई थी दिल दोस्ती हमको खूब पसंद आई थी वो श्रेयस तलपड़े ने हिमाचल बहुत बढ़िया काम किया था। है ना उसमें एक देवी जीत नई नई मिस इंडिया बनी थी वो भी थी um, yes, um, बताइए साहब स्मृति मिश्रा सीता कितना वो हो, हाँ, नाराज होंगी कि आप उनका हाँ, नाम भूल गए हाँ, बताता हाँ, स्मृति मिश्रा बनी थी वो जो कोठे पर होती है बड़ी सावरी सी है। आंखें हैं उनकी तो इनकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है चिड़िया खाना ये दो जून को रिलीज हो रही है फिल्म बिहार से अपनी माँ के साथ आए एक किशोर एक टीनेजर लड़के के बारे में है जिसे एक चीज ठीक से आती है और जीवन दुरुस्त ढंग से जीने के लिए वो एक चीज काफी होनी चाहिए उसको फुटबॉल खेलनी आती है पर उसको बाकी चीज़ें नहीं आती हैं और समाज को वो चुनचुना काटता है कि सारे बक्सों पर टिक लगे अच्छा मम्मी का नाम ये तो पापा का नाम क्या है पापा का नाम बताओ फिर उसको बुली किया जाता है पर इन सब के बीच उसको एक राह दिखती है इसी खेल के ज़रिए और एक मा साहब आते हैं फुटबॉल के मासहब और एक प्लॉट है कि जिस सरकारी स्कूल के सरकारी मैदान पे ये सब चल रहा है अगर वो मैदान उस स्कूल को रखना है तो अपना जिगरा दिखाना पड़ेगा अब ये हारजीत की कहानी इसमें गुंडई भी है रवि किशन आते हैं भोकाल काटने के लिए है ना एक कन्या भी होनी चाहिए किशोर भाई की उम्र है थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट रहता है तो ये सब चीज़ें यही है सर फिल्म का प्लॉट चिड़िया खाना का स्टोरी ऑफ विट डिटर्मिनेशन और एक शब्द कोई और लिखा था डिस्क्रिप्शन में फाइट फॉर टाइगर ड्रीम्स इन एवरी एवरी अंडरडॉग अंडरडॉग इन सबसे पहले आप यही बताओ कि जो हमने ट्रेलर देखा उसमें जितने भी बुली हैं उनके चेहरे पर जानवरों का हाँ, फेस दिखता है करेक्ट तो इसके पीछे क्या आइडिया था आ, जो कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है आ, सूरज जिसके जरिए हम ये कहानी कह रहे हैं आ, उसको जब भी वो भय भीत होता है तो उसको बचपन से लोगों में जानवर दिखते हैं तो उन सिचुएशन में वो जानवर देखता है और इसका एक सिंबॉलिक मतलब ये है कि कमिंग ऑफ एज स्टोरी है तो अपने लिए ट्राइंग टू तो फाइंड अ स्पॉट अंडर द सन तो वो कौन सा जानवर है उस 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 प्रवाह में फिल्म आ आ बहती है दिस इज द द ओनली प्लेस वेयर इन फिल्म आई फील दैट कि एक, the, एक uh, जो मैं ऑडियंस uh, को स्पून फीडिंग से मुझे बहुत प्रॉब्लम uh, होती है लेकिन ये जो इतना इंटरेस्टिंगली डिपेक्ट किया है वीएफएक्स में जानवरों को इट्स वन ऑफ़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्पून फीडिंग आफ्टर रियल लॉन्ग टाइम आई डोंट लाइक स्पून फीडिंग पीपल बिकॉज

यू नो ऑल दीज एनिमल्स आर लाइक वेरी नाइसली शोन एंड वो फ्रेम में इतना इमीडिएटली कम्युनिकेट करता है दैट यू नो दैट यू डोंट हैव टू से टू मच मैं स्पून फीडिंग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक शेर आपको जिस तरह से डरा सकता है एक वुल्फ आपको जिस तरह से डरा सकता है यू नो दे ऑल टू डिफरेंट इंटेंसिटीज यू नो लेकिन ये दिखा के कि ये जानवर इसको दिख रहा है सूरज को इस वक्त इस लड़के में इस लड़के में ये दिख रहा है यू नो आई थिंक दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग

And to do what he needs to. कब लिखा आपने ये ड्राफ्ट ये लिखा था इसक इस के बाद में और जो इंडस्ट्री के में और भी कहानियाँ हैं लेकिन जो प्रोडक्शन में आई वो ये कहानी है और आई एम ए वन फिल्म डायरेक्टर तो जब तक ये बाहर नहीं आती दूसरे में मूव नहीं कर पाया तो एक बड़ी फिल्म से छोटी फिल्म का एक वार्निंग मुझे मिलता रहा बट ग्रीन लिट यही हुई I said, Let's go for it. ये बहुत पूछा जाता है कि मनीष तिवारी no, yeah. uh, मतलब मुझे अपने दिमाग में लगता है कि uh, मैं, मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में तो वो uh, शायद नॉलेज और स्किल नहीं है फिल्में बना सकता हूँ लिख सकता हूँ पर उस तेजी से प्रोडक्शन में जा नहीं पाता हूँ बहुत बार दीवारें पुष कर रहा होता हूँ प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड रहते हैं पर वो मूव नहीं करता है फिर कहीं एक छोटी खिड़की मिलती है फिर वहाँ से कुछ होता है तो आ, फिर कुछ और करने लगता हूँ जैसे मैं बिहार चला गया माँ के लिए डॉक्टर हैं उनके लिए क्लिनिक बनवा रहा था पटना में एक छोटा सा कैफे खोल दिया तो ये सब पटना कर... कहां आ, में कैफे खोला कहाँ पे बताओ बोरिंग रोड में किस ले बलैया जो इस ले बलैया जी अरे क्या बढ़िया नाम है गुरु

तो आई हैव स्मॉल आई टू लिव इन वन बेडरूम अपार्टमेंट इन बरसोवा मैं यू एन में काम करता था अपने पैसे जो हुए थे उससे ये एक वन बेडरूम अपार्टमेंट लिया था तो मैं एकदम ही नया था तो इनके साथ काम करना था तो मैंने कहा कि नसीर के बेटे इमार ने हाँ बोला है आप भी आकर के स्क्रिप्ट पढ़ लें तो ही केम टू माई हाउस एंड आई बिन वेरी प्रोटेक्ट अबाउट माई स्क्रिप्ट एज प्रेक्टिस आ तो पढ़ा एक ही झटके में बोला कि इट्स वेरी गुड मैं करना चाहता हूँ

कहा कि फरमाइस अच्छा लग रहा है पंद्रह दिन दीजिए और मैं मुंबई से विदेश जाता था क्योंकि वहाँ यूएन में काम कर रहा था उन्होंने कहा पंद्रह दिन रुकी मैं रुक गया और कॉल मी अराउंड ट्वेल्थ दे कि आई लाइक इट आप आइए और फिल्म को चार पांच सीन अपने हिसाब से शूट कीजिए तो स्मृति को जानता था क्योंकि विजय विज, सिंह एक फिल्म मेकर पैरिस में है उनके साथ जय गंगा बनाई थी तो ये लोग सबको एग्री कर गए इमाद और प्रशांत को मैंने फ़ोन किया कि भाई ऑडिशन करना है तो इस कि मैं ऑडिशन करता नहीं हूँ तो मैंने कहा ऑडिशन नहीं कर रहे हैं शूट कर रहे हैं जो प्रकाश जी प्रोड्यूसर देखेंगे तो इन्होंने कहा कि भाई वो नहीं करेंगे आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई क्राफ्ट तो समाओ दिल दोस्ती में ये श्रेयास तलपाडे का रोल करना करने वाले थे लेकिन अब प्रताप तलपड़े का रोल एज ए कोच कर रहे हैं तो वहाँ से जुड़ी कहानी बट इसक में साथ में आ गए तो दोस्ती हो गई सो so, इसक में जो है जो शेक्सपियर ने भी नहीं लिखा था वो रोल लिख के दिया मुझे

मतलब उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है यू नो द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट वी यूज्ड टू डू इन इंदिरा गांधी स्टेडियम एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स वहाँ से जो कॉलेज खत्म होते ही आ, ये सब जो एग्जाम्स लिख दिए थे मैंने उसपे सब पास हो गया था क्योंकि थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप का मैं बचपन से रहा हूं वाह बहुत तरीके तो क्या बन गए थे तो जो है एक आ, फूड एंड सिविल सप्लाईज का एक सेटअप है तो उधर जो है मेरे को लोअर डिवीजन क्लर्क की जो है नौकरी लग गई बताइए इतनी सप्लाई होती है ओवर एंड अंडर नो नो मैं वो तो वो सब मुझे मालूम तो थोड़ा बहुत और मेरे लिए एक सुंदर सा कमरा था जहाँ पे आई टू डू सम्यूटर डेटा प्रशांत भाई आई थिंक दिस इज ओके सो आफ्टर दैट तो ये मंडी हाउस मंडी हाउस में बहुत सुनता रहता था लोगों से मतलब क्या मंडी हाउस है यार इधर ही मेरा तो मैं जाता था वहां पर तो दीज पीपल यूज टू बी देर पियूश एंड यू नो मिश्रा एंड एन के शर्मा एंड आशीष विद्यार्थी

हम लोग ना आओ विज्ञान करके सीखे उदाहरण से समझते हैं आ, हमारे दौर में कई बोले गाने हैं जो ये जो सड़क पर खून बह रहा है उसे काट को देख बह, बहुत बहुत सारे मेनी थिंग्स आई एम नॉट रिम्बरिंग इमीडिएटली बट देन कुछ कुछ चौबोली करके एक प्ले किया था तो उसने पीयूष ने उसके काफी सारे गाने उसने अलग अलग फिल्मों में डाला तो जो ये लोग सब मेरे लिए गाते थे स्टेज पे मैं ठाकुर बना हुआ हूँ और ये लोग सब कोरस में गा रहे हैं पीयूष करके गा रहे हैं जोर जोर अच्छा। तो वाला एक गाना है जो उसने गुलाल में शायद यूज किया था राणा जी ऐसे गुस्से में आए नहीं नहीं वो दूसरा वाला बीड़ो बीड़ो दूजी थाली का लगे बड़ा मसालेदार मन बोले चकमक आ चकमक वो गाना जो है बहुत ही हाँ बहुत खूबसूरत गाना है वो और एंड ऑल दो सॉन्ग्स जब शहर हमारा सोता है इट सम्यूटिफुल सॉ उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर क्या दोनों रहेंगे कबूतर से जिसमें होगा ना बाजों का डर तो uh, ऐसे बहुत सारी चीजें उसके बाद में आया इधर uh, देन बाय द टाइम समीर चंदा केतन मेहता आया दिल्ली में शूट करने के लिए सरदार पटेल hmm. अब उससे मेरे मेरा एक दोस्त था जो सुजीत का राइटर भी है वो आ, सरकार का सरकार वॉज डूइंग लाइटिंग फॉर आर प्लेस नो एक्ट वन के प्लेस में वो लाइटिंग करता था वो तो <coughs> शुभेंदु करके उसका नाम था तो उसको जो है वो करने वाला था आठ डरेक्शन का काम वाम जो भी है उसको कोई फ्रेंच फिल्म मिल गई तो अब उसको ये भी रखना था ये भी रखना था तो उसने मेरे पास आके बोला प्रशांत तू तो थोड़ी मेरी भी हेल्प कर दे दे तो उनको जाके बोल कि तेरे को सब पता मेरे को तो कुछ नहीं यार, तो दिल्ली के मार्केट के बारे में बारे में जो सब्जी मिलती थी बंदे उतना ही मालूम है मेरे को बाकी क्या मालूम है आप लोग आरके पुरम आई माय लाइफ इन डिफेंस अकाउंट सो he just passed away recently on I'm the so sorry. 21st of this last month uh, so my I, i'm still going through all that uh, this thing anyway so uh, samir chanda mile mujhe jo art director hai unke aur so he really took a liking to me तो मुझे लगा चलो दिल्ली में किया फिर शिमला में भी किया थोड़ा एक schedule you know एंड देन ही कॉल मी टू बॉम्बे ऑल्सो मैं अंदर गया सबसे पहला स्टूडियो ऐसा दरवाजा खोला किसने गोविंद इलानी और गोविंद इलानी मतलब जो है बड़े मतलब आ, थोड़े कंजूस टाइप के प्रोड्यूसर हैं यू नो उनको लग रहा हो कि अरे यार, यार ये सूटकेसटके के लेके कौन आ गया इधर एंड समीर didn't नो that आई वुड कम लाइक इमीडिएटली यू नो तो मेरा कोई एकोमोडेशन का कोई चक्कर नहीं तो दो रात मैं राजकुमार स्टूडियो में सोया है मैं Hmm. क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ सबसे पहली बार लाइफ में मैंने इतने बड़े चूहे देखे मैंने कभी इतने बड़े चूहे ज़िंदगी में नहीं देखे थे मैंने इतने बड़े बड़े चूहे देखे फिर मैंने कहीं रहा रहा तो जो भी वो सब वो खत्म हो गया देन आई सारे देन आई डिड सम कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग ऑल्सो फॉर विद सलीम आरिफ और उसके बाद फिर आई सारे डायरेक्टिंग माउंट्लेज

सेट का पेंटिंग्स करता था मैं तो ये कैसे हुआ बिकॉज uh, उसका भी आर्ट डायरेक्टर मेरा दोस्त था एंड प्रकाश जी को नहीं करना नहीं था। मेरा आइडिया था कि मैं ये भी कर लूंगा ये भी कर लूंगा और ये भी कर लूंगा आई टू बी अ प्रोड्यूसर राइट आई डोंट टू बी एन एक्टर ये इधर दिल्ली में भी जो है सब ऐसे मार के, आप तो मंडी हाउस पहुंचे थे कि करते क्या ये लोग

ंगज रोल तो सरकारी नौकरी छोड़ के फिर मुंबई कैसे चलेगा अरे सर वो कितने सारे लोगों के थ्रू मेरे को मैसेज आते रहे कि प्रशांत तू ये नौकरी मत छोड़ना तू उनको लेटर लिख दे कि तू तेरी तबीयत खराब है जो है को जो भी करना है तू ये पिताजी कहते थे हाँ नौकरी मत छोड़ना यू नो बट मेरा था कि भाई या तो मैं इधर हूँ या मैं उधर हूँ मेरे को आई कैनोट बी इन द मिडल ऑफ यू नो थिंग्स लाइक दिस वो ना मैं इसको ठीक तरह रिस्पेक्ट दे पा रहा हूँ ना इसको दे पा रहा हूँ अपनी अयाशी को थोड़ा सा ज़्यादा मैं भाव दे रहा था उस टाइम पे बिकॉज ऐसे बंधा हुआ जो है मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे मेरा कुछ खास फ्यूचर है यहाँ पे सो दैट इज हाउ सो इट इज़ नेवर बीन इट्स बीन अ वेरी नॉन सीरियस वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ सर आई हैव नेवर बीन सो इंटेंस अबाउट समथिंग और

Yeah, because uh, Govind was shooting for रुकावटी की हवेली। हम्म। पल्लवी इस दैन डैट। इस वेरी नाइस लेडी, नाइस एक्ट्रेस। शी जस्ट पास्ट अवे रिसेंटली। उत्तरा बाउकर। जी जी। So they all became very close friends of mine because I was the only one who was like with long hair, बालियां, फटी हुई जीन्स, जीन्स में, मतलब एकदम। अच्छा ये सिलसिला बड़ा पुराना है? हाँ, नहीं ये वही वाली जीन्स � <laughs>

और वह समीर खुद मतलब जो है यूज टू भी एक्चुअली कॉन्सली पैनिकिंग मैं उसको हमेशा दिल्ली में बोलता है तू इतना पैनिक क्यों करता है भाई और वो पैनिक पैनिक लेके ही मरा है वो इट वॉज नॉट द राइट टाइम फॉर हिम टू गो यू ऑलवेज यू टू बी पैनिकिंग नहीं प्रशांत प्रशांत केतन आ रहा है कितन आ रहा है प्रशांत प्रशांत केतन आ रहा है केतन आ रहा है मेरे हाँ केतन ही तो आ रहा है भाई वो डायरेक्टर वो आएगा वो नहीं आएगा तो कौन आएगा उसका बाप आएगा यू नो तो तू इतना मतलब टेंशन क्यों ले रहा है भाई डायक्टर फॉर दैट चाणक्य सलीम आरिफ ऑल्सोज डूंग्रेंड रोमता के जरिए सरदार पटेल से दोस्ती हुई हाँ, तो ये किया तो फिर सलीम के साथ भी काम किया बिकॉज मुझे जो है प्रोड्यूसर uh, बनना है तो आपको लग रह रहा है कि सब मैं सब, सब चीज़ों का मैं थोड़ा सा नॉलेज लेके आई वॉन्ट टू डू समथिंग वेयर लाइक हाउ इन इन हॉलीवुड यू हैव अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर हु अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग ऑफ एवरी थिंग आई वॉन्ट टू मेक फिल्म आई वॉन्ट टू बी अ क्रिएटिव पर्सन विच इज अबाउट द डायरेक्टर ऑल्सो सो Who's also providing money also, but to be in a position where you understand the craft of every sector. फिर बनाई फिल्म? एक YouTube पे मेरी छोटी सी फिल्म है, it's called uh, Cinema की आँख। तो जब भी मौका मिले Cinema की आँख? Yeah. अच्छा जी? या देख लो। नहीं नहीं अब आप, आप कह रहे हैं तो होगी <laughs> है ना? तो जैसे अब ये भाई साहब शूटिंग कर रहे हैं Huh. तो मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ तो आपको ऐसे होता है यार मैं तो क्रिएटिव प्रोड्यूसर बनना चाहता था ये लड़का है बना रहा है परंतु तो थोड़ा सा इनको बताऊँ मैं ये, ये ऐसे भी कर सकते हैं कैसे कोलेब्रेशन होता है मनीष आई थिंक जब शुरुआत हुई इस शक्ट में हम फाइनली मिले शूट पे तो एक हमने टेस्ट शूट किया था एंड uh, uh, मैं रियलाइज कर रहा था कि हमारे वर्क करने के तरीके डिफरेंट है बिकॉज आई केम विथ माई ओन प्रिपरेशन प्रशांत उस समय अपने प्रिपरेशन के साथ आते थे So he used to know, try to know every aspect of, or again shoestring budget, make a shoot, ho hai with pratik Babbar and everything. So I think it took time for Prashant to uh, understand that I am also coming prepared and, and give that directorial space to him. Or oh, because he has an understanding of uh, all the departments. But then I, I had my own take on things. So. कोलेबरेशन uh, में भी uh, एक, uh, जो समय लगा आई थिंक दैट आल्सो बेसिस फ़्रेंडशिप कितनी बढ़िया लाइन लाइन है है सिनेमा की 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 पहली ऑल द कैरेक्टर्स आर रियल या यहीं से शुरू होती है तो yeah, स्केर्थ yeah. स्केर्थ की? Oh, गाना सुनो यार वो वो मैंने वो गाना जो रिकॉर्ड किया था आई रिकॉर्डेड कहानी बहुत ही सिंपल सी कहानी इट्स अबाउट दिस एब्सोल्युटली मतलब जो फिल्म बनाना चाहता है फिल्म बनाना चाहता है लेकिन कुछ नहीं हो रहा उसका hmm. और वो कस कस के जो है दारू भी पी रहा है और मेरे घर में पड़ा हुआ है जहाँ इंटरनेट वगैरह फ्री है और वो इंटरनेट पे जो है किसी से चैट करते करते जो है ईरान में किसी लड़की से बात कर रहा है वो और बात करते करते ही इन्वाइट्स है कि तुम आ जाओ इधर आप शान शौकत में रहेंगे इधर तुम एंड शी इज़ अ वेरी वेल टू डू डिसेंट गर्ल ओवर देर इन ईरान ऐसा ब्रिजेंद्र काला का वॉइस ओवर है कुछ घंटा का कुछ बनाया हुआ मैंने ये चौतीस मिनट की फिल्म जरूर देखी जाएगी है कमाल की कहानी है सौरव ये मतलब ये दिस इज ए कहानी विच आई वॉज गेटिंग तो आई वॉज़ डायरेक्टिंग प्लेज यू नो मैंने uh, ये सब कर लिया हो गया मेरे से अभी और नहीं होएगा बोल के पृथ्वी थिएटर पे ऑन द प्लेटफॉर्म आई वॉज डायरेक्टिंग प्लेज सो आई हैड माई ओन थिएटर ग्रुप कॉल्ड द एक्टर्स सिंडिकेट सो तो एक्टर्स सिंडिकेट का बोर्ड लगता है ना तो एकदम प्लेटफॉर्म एकदम खचा खच हो जाता था उधर बिकॉज आई हेस्ट टू सिंग एंड कंपोज एंड ऑल दैट तो आई हेस्ट टू नॉट एक्ट आईज टू बी जस्ट ंग द म्यूजिक और यू नो लाइक सिंगिंग फॉर द एक्टर्स ऑन स्टेज एंड ऑल तो उनको मैं बोलता था अगर तुम लोग अच्छा एक्टिंग करोगे तो मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा तो एवरी बडी यूज टू डू दस्ट आई सिंगेज बट आई टू नॉट एक्ट तो आई वॉज डूंग डायरेक्टिंग बड़े भाई साहब प्रेमचंद का uh, बहुत, है। बहुत ही कमाली कहानी और उसको जो है अलग अलग तरीके से मैं डायरेक्ट कर भी चुका हूँ मैं तो वन ऑफ देम हैड अनुराग कश्यप एंड का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को अभी तो देव देव एक्टर्स इन माई ग्रुप एंड अनुराग ने लिखना भी मेरे साथ ही शुरू किया उसने इधर बम्बई में सब जो भी हम लोगों ने किया उधर काम आम ये पूरा डी गैंग गया हुआ था हंसराज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कौन किसके हाथ में समोसा है <laughs> किसके हाथ में बड़ा पाव है तो hmm. दिल्ली हंसराज के कुछ काम नहीं आता इधर यू hmm. you know, uh, uh, वो सब बाद में जब थोड़ा सा बनने के बाद तो लगता है हा मैं यार आ, ये वो सब होता है, वो सब होता है. You know, रहने की जगह नहीं है खाने पीने की वो नहीं है तो क्रिएटिविटी मुझे लगता है नहीं कि उसमें कुछ होता है यू you नो know, तो सो <coughs> so, अचानक भरत रंग आचार्य ने अनाउंस किया था परिवर्तन बना रहा है तो अनुराग ने मेरे को बोला यार हम लोग जाके इधर इसको दिखा दें क्या बड़े भाई साहब यू नो मेला हाँ कर ले तो जाके तो आई डेंट टेक एनीथिंग सीरियसली फिर उससे अनुराग बोले कि हाँ कोई डेट पे उसको मिल गया डेट तो जिस डेट को उनको मिला ऑडिशन करने का टाइम उसके घर पे ही बुला ली था भरत ने उन लोगों को तो मैं भी पहुंच गया तो मैंने उन भरत को बोला कि आप इधर बैठ जाओ यू नो मेरे एक्टर्स का एंट्री एग्जिट इधर से होगा उधर से होएगा थोड़ा सा कुछ डरेशन वरेशन उनको दिया बेसिकली ताकि वो थोड़ा मज़े में देख ले वो आदमी यू नो इन दोनों को कुछ काम वा मिल जाएगा बोल के मैं चला गया वैसे अलग सब बोल के चला गया मैं इन लोगों ने परफॉर्म किया उन लोगों को उसको बहुत अच्छा लगा भरत को उसने बोला कि यार बहुत ही अच्छा किया लेकिन हु वॉज दैट गाय हुम इन द बिगनिंग ना तो उसने बोला कि हाँ वॉज अ डायरेक्टर इज एन एक्टर नो ई डू एक्ट जो कि सही था नहीं करना था मेरी एक्टिंग भरत जो मेरे पीछे पड़ा ना जो गले में जो डाला उसने मेरे को ऐसा वो ये रोल द मेन रोल इन परिवर्तन तो दैट इज़ हाउ दैट थिंग है वेरी स्ट्रेंज वे टू यू नो और उन्होंने बुलाया मुझे बाकायदा थोड़ी शराब वरा पिलाई पूरा नरेट किया अब तो टेरिफिक रोल परिवर्तन टेरिफिक रोल आप कैसे पहुंचे मुंबई uh, मैं दिल्ली uh, यूनिवर्सिटी के बाद विदेश चला गया वहाँ पे मास्टर्स कर रहा था कहाँ पे uh, पहले लेस्टर फिर कैम्ब्रिज लेस्टर में मास्टर्स कैम्ब्रिज में पी एच इकोनॉमी में सबमिट की हाँ मैं डॉक्टर मनीष आई स्टैंड करेक्टेड डॉक्टर मनीष तिवारी फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड ये मैं सरकाजम में नहीं पूरे रिस्पेक्ट के साथ कह रहा इट इट टेक्स अ अ लॉट टू राइट फुल फॉर कैम्ब्रिज योर टॉपिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड पोलिटिकल इकोलॉजी अराउंड थोड़ा आसान भाषा में बताइए ये गवर्नमेंट मतलब मेरा रिसर्च सब्जेक्ट मिदनापुर और बिहार के जंगलों पे था कि जंगल का जो मैनेजमेंट है उसको तीन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं ओनरशिप गवर्नमेंट का है एन जी ओज़ का उसमें स्टेक है क्योंकि वहाँ पे वो मैनेज करते हैं और एक गवर्नमेंट का इनिशियटिव प्रोग्राम था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ तो जो भी वहाँ पे गांव वाले हैं उनका uh, रेती राइट्स uh, नहीं है लैंड पे लेकिन फॉरेज करते हैं वहाँ से चीज़ें लेती हैं ट्राइबल्स हैं वन उपज लाते हैं वन उपज लाते, लाते हैं।, हैं।, हैं तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो सके उनके प्रोटेस्ट पे लोगों के क्योंकि उनके राइट्स नहीं थे तो मैं सभी को एक इंस्टीट्यूशन मानते हुए लिखी थी कि हु हैज वॉट स्टेक और वट इज़ कुड बी द फ्यूचर ऑफ दिस मैनेजमेंट तो उसमें आई फेल्ट समहा फॉरेस्ट कंजर्वेशन में गवर्नमेंट का एक रोल होना चाहिए एंड एन जी ओ इज़ द आउटसाइडर एंड देर शुड बी मोर निगोसिएशन बिटवीन द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन दिस फॉरेस्ट लैंड फॉर सेंचुरीज एंड द गवर्नमेंट अभी भी आप जंगल से जुड़े विषयों में नहीं मैंने environment कम, से जुड़े विषयों में नहीं, मैंने किताब लिखा, लिखा उस पर विदेश में पब्लिश भी हुई इसी इशू पे और मैं फिर येल चला गया अमेरिका चला गया अनदर यूनिवर्सिटी वहाँ पढ़ाने beautiful लगा न्यू हेवन yes, yeah, yeah. में मैं एक साल रहा वहाँ पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप कर रहा था और पढ़ा रहा था और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस आ गया इस बीच में जब यूनाइटेड यूनाइट नहीं रोम में आ गया उसका एक बॉडी है एफ ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइट नेशन्स एफ ए तो वहाँ पर करीब डेढ़ साल रहा और वहाँ से तो मैं जब कैम्ब्रिज में था चूंकि मेरा फिल्म सिनेमा में इंटरेस्ट रहा है तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफर्ड एक कापी राइट यूनिवर्सिटी है तो जो भी चीज़ पब्लिश होता है यूके में उसका एक कॉपी रहता है इंक्लूडिंग फिल्म तो मैं फिल्म मतलब थीसिस करता था पढ़ता था और फिल्में देखता था तो कई सॉ फिल्में देखी मतलब आई हैड वीक्स ऑफ फेलनी ट्रू आई अंडरस्टूड की हाउ चीटेड वी आर हाउ हाउ्राइव वी आर ऑफ रियल सिनेमा अपार्ट फ्रॉम फ्यू डायरेक्टर्स दैट वी हैड हियर और वी हैव हियर तो वहाँ से मैंने शॉर्ट फिल्म बनानी शुरू की वो एक जर्नी चलती रही तो यू जब आया तो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई उन्हीं के फंड से टू थाउजेंड था वो ईयर ऑफ माउंटेंस था तो आई वाज सेंट ईयर ऑफ माउंटेंस था द यूनाइटेड नेशंस तो दे हैड फंड्स दे सेंट मी टू टिबेट और के एक इलाका है एंड इट कनेक्ट्स टू नेपाल इट्स कॉल मुस्तान मुस्तान और उसका कैपिटल है लो सो आई डिड अ जर्नी फ्राम काठमांडू टिल लो सो उसमें जर्नी है एक एनिमल राइड है और बाद में एक टिब्बिन फेस्टिवल है सो इट आई दिस फ्यू शॉर्ट फिल्म इन केम्ब्रिज एंड दीचर डॉक्यूमेंट्री

<laughs> सोचता हूँ। <laughs> अरे पैसा जितना आया वो ले लेना youtube से लोग देखें तो शायद उसका समय आएगा कि व्हाट आई डिड अर्लियर बट फिर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाया रामनगर करके जो जिसमें रामनगर बनारस वाला या कॉन्डोर वाला बनारस वाला हाँ। क्योंकि मेरे रिलेटिव्स मेरे नानी के भाई महाराजा बनारस थे कजन uh, ब्रदर तो वहाँ बचपन से आना जाना, जाना रहा तो वहीं शूट की है ऐसा कोई शूट की हाँ पैसा बजा लिया लोकेशन का तो वो बहुत अच्छे शूट की हाँ। तो वहाँ हाँ, 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 हाँ। तो से चूँकि बचपन से आना जाना का था तो महाराजा विभूति नारायण सिंह ने कभी आज तक शूट नहीं हुआ था उन्होंने अलाउ कर दिया कि मेरे रामलीला को आप शूट करें तो उसमें जो मेरे करीब चालीस हजार रुपए लगे थे वो विदेशों की यूनिवर्सिटी में तो हूँ आपने देखी भाई साहब आप तो इतने दिन पुराने दोस्त लग रहे हैं नहीं क्या कर रहे हो यार इतना कितना संकोच है कुछ नहीं दिखाया आप इनकी अगली फिल्म तभी करना वाला पहले पुराना दिखाओ पहले वो दिखाओ पहले हैं तो रोम से मेरा आना जाना है बढ़ गया बिकॉज इट आई वॉज अ सीनियर कंसल्टेंट तो ग्वाटेमाला uh, नेपाल हिमाचल प्रदेश बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे तो मैं बार बार, बार बॉम्बे आना शुरू किया और जिन फिल्म मेकर्स को मैं चाहता था जब जब यूएस में था तो मीरा नायर दीपा मेहता से मिला उन्होंने uh, कहा कि दि अ वे यू हैव टू गो टू हॉलीवुड बट मेरी कहानियाँ देश की थी

I did that. Yes, all his with him. Yes, you yeah, did. Yeah, I remember. Yeah. यही उसका कई पार्ट तो दिल्ली में शूट किया हूँ. उसका title track मैंने गया. हाँ. Uh, ये साली जिंदगी का जो the title track. आप पता क्या छोड़ देते हो हमको फिर हो जाता है. नहीं नहीं आप. No. नहीं सुनो यार वो. सुनाइए. नहीं नहीं वो uh, even I was shocked to hear because I तो went to the studio and just sang something and. and मेरे को भी lyrics वगैरह याद नहीं आ रहा सौरभ मैं निकाल देता हूँ भाई साहब जिंदगी पे तेरा मेरा किसी का ना जोश हम सोचते कुछ और साली सोचती कुछ और है ये जिंदगी ये साली जिंदगी ऐसा कुछ करके वही तुम तो हॉल में तो ऐसा सुनाई दे रहा था मेरे को लगा और बाप रे बाप यही <coughs> होता है मेरी जान मेरी जान नहीं, 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 वो तो कुछ और गाना है वो हाँ। वो तो इरफान और चित्रांग जिंदगी पे तेरा मेरा किसी का ना जोर है हम सोचते हैं कुछ और

शैडो ऑफ टाइम आई चल के अरे शैडोज ऑफ टाइम उसके बारे में बताओ आप लाओ ये तो गाना हम बाद में सुन लेंगे देखिए आपने शुरू से देखिए शैडो ऑफ इन्होंने दी थी डीवीडी इन्होंने दी थी देखो कितने भले आदमी है ये आपको अपनी फिल्म में दिखा रहे हैं इश्क के सब हाँ पीछे पड़े रहे ना चल एक्चुअली चल के बाद मैंने किया वैसा भी होता है मुद्दा वो राजू मोहन की एक और फिल्म थी वो भी वो भी तो दीज पीपल वर ट्राइंग टू कास्ट फॉर दिस मेन रोल तो पूरे दिल्ली में ऑडिशन हुए रवि गुप्ता का रोल रवि गुप्ता कैमरे तो पे ऐसा दिखता हूँ ना बड़ा सा ये सब मेरी टीम का कमाल है मैं बिल्कुल ढपोर शंक हूँ सो इन दिस थिंग हर जगह ऑडिशंस वगैरह सब किया कुछ नहीं हो रहा तो एक ऐसी ने जो है बोला फ्लोरिन को डायरेक्टर ही जस्ट ट्वेंटी और उसने एक कहानी लिखी थी ओके एंड ड्राइविंग बैक फ्रॉम मुन्शिन टू बर्लिन या कहीं वो ड्राइव कर रहा था तो रात में गाड़ी चला था तो और

They realized it was Kolkata that they had to shoot and you know Bengal bohot hai, you know obviously somebody from there he's he does not know but he was so hell bent कि मेरे को इसी language में मेरे को अपना love story shoot करना है मुझे and they were not getting this <coughs> main guy उसका किसी assistant ने उसको छल का ये कुछ motion motion दिखाया उसने बोला कि यार इसको बुला लो यार थक गए थे वो लोग सब and then मेरा uh, screen test हुआ Tanisha के साथ में

वन ऑफ इरफान बेस्ट वर्क मुझे इतना आई लाइक इरफान बट यू नो नॉट लाइक यू नो एज एन एक्टर एक्टर ऐसा करके जो है मेरे को ऐसा कुछ ऐसा कुछ ज्यादा हवा दिखता नहीं है मेरे को बट फॉर मी इरफान इन दैट फिल्म वॉज वेरी वर्किंग बिकॉज ही प्लेड दैट कैरेक्टर विच फ्लोरियन वॉन्टेड हिम टू प्ले He didn't play the character which he wanted to play. So there's a great difference. There's a great difference between an actor playing what the director wants and a director adjusting to what the actor wants. So I feel that Shadows of Time is one place where Irfan played that character. This film available

कैरेक्टर को करने का। महेश भट्ट मेरे को पहले भी दो तीन बार बुला चुका है कुछ कुछ अलग अलग चीजों के लिए जो मैं मना कर दिया था मैंने तो <coughs> ये फिल्म के लिए जब मेरे जो बुलाया ना और शगुफ्ता वॉज ए राइटर दैट थिंग मुझे उसका सबसे पहले जो जो उन लोगों ने जो बताया ना मुझे उसका पिचिंग बहुत अच्छा लगा hmm. मुझे उसका कोई फिर जो है ऐसा ऐसा कुछ करके कुछ नहीं था बहुत ही क्लियर तरीके से जो है मोहित ने और महेश ने मिलके यू you नो know, एक बहुत क्लियर पिच मुझे पहले बता दिया था सो एज सुन एज यू अंडरस्टैंड पिच नो आपको जिसको आपका बोलते जो सुर जो है आपका आपने जैसे उसका कोई अच्छा गाना गाता ना तो आपको सुनने में अच्छा लगता है उसी तरह से कोई आपको कुछ अच्छा सुनाता है ना उसके पिचिंग से आपको समझ में आता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट है उस चीज़ को लेके यू नो सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट एज इफ इट्स इट वाज़ वॉज अ रीमेक फ्रॉम सम कोरियन फिल्म कोल्ड चेजर 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 या तो जिस दिन मैं गया था उस दिन दे हैड गॉट द कॉस्ट्यूम्स इन ऑल दैट फॉर मी और पहली बार जब मैंने वो अनारकली पहन के जो मैं महेश भट्ट के सामने बैठा था ना मतलब महेश भट्ट जो है ऐसे बस मेरे को देखता ही रहा बस वो बस सिहरन होती है वो बस वो बस देखता ही रहा मेरे को बस वो उसके बाद शूट वगैरह शुरू हुआ तो आ, दूसरे या तीसरे दिन मैंने मोहित को बोल दिया था कि मतलब यार इन सबको बोलो कि अपसेट पे ना आया करें क्योंकि टू मेनी ब्रॉथ

फिर मैंने मोहित को मेरे को बोलना ही पड़ा यार मतलब मोहित यार प्लीज जरा यू नो आई कांट हैव ऑल दीज एडवाइजर्स एंड ऑल दैट अराउंड मी यू नो भट्ट साहब एंड कंपनी हाँ सो ऐसे से बस इनका बहुत वो सामान बोल दे अभी यू नो क्योंकि या तो फिर उन्हीं को बोल दे एक्टिंग कर ले फिर यू you नो know? तो <laughs> उसके बाद जो है वो सीक्वेंस हुआ मेरा और वो हैव यू सीन द फिल्म यस हैव सीन द फिल्म देयर इज अ सीक्वेंस विद मी एंड श्वेता द साइको वेयर आई काइंड ऑफ शी इज टॉकिंग टू मी एंड यू नो

See, Chidiya Khana is a, <coughs> a different uh, uh, film for me because the kind of uh, associations that people have with me, you know, because a lot of people have not seen a lot of my work. But a lot of people have seen work which is like this negative shades and you know, like Goliwazi, Chakku, Chaurya, this is a film where I'm actually playing somebody who does things like that. बट इट इज नॉट एविडेंट हियर अ डिफरेंट फैसेट ऑफ माइन इज बींग शोन वेयर आई ऑल्सो यूज टू प्ले फुटबॉल फ्रॉम माई स्कूल एंड इट इज अ सेम स्कूल के बच्चे हैं जो अभी प्रॉब्लम में है कि अगर जो है ये वाला मैच अगर वो लोग हार जाएंगे नो सो दे गोड लूज दैट ग्राउंड और उसी ग्राउंड पर मैं भी खेल चुका हूँ नो तो देर इज अ सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द होल थिंग आई एम अटैच टू द पीपल फ्रॉम द इट्स लाइक अ सीनियर

टू माई अमेजमेंट ही आई सेट की थोड़ा रियल रखेंगे सो हार्ड एंड वेरी ग्रेट इंट्रैक्शन जो एक लाइन ट्रेलर में भी दिखता है अगर आप लोगों को गोविंद नामदेव की कहानी में दिलचस्प हो कितनी कमाल की कहानी है कि सागर में एक व्यक्ति है जो दर्जी है पर रेगुलर दर्जी नहीं है वो भगवान की पोशाक बनाता है तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है ये काम पर घर बड़ी मुश्किल से चलता है और उनका बेटा है जो एक दोस्त की डीगे सुन के कह देता है कि हाँ मैं भी जा रहा हूँ दिल्ली पढ़ने मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं और वो दिल्ली आ जाता है फुटपाथ पे सोया स्टेशन पे सोया स्कूल के बाहर खड़ा रहा फिर स्कूल के बाहर एक दुकान थी वहाँ पे नौकरी कर ली ये दस बारह साल का लड़का है दाखिला हुआ उस स्कूल में एक्टिंग करता था बोलता था कुछ को लोगों को बड़ा फ़नी लगता था और वहाँ से करते करते और तब बारवीं के बाद एन होता था तो दो और दो वजीफे की सीटें होती थी सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए वहां पहुंचे रेस्ट इज हिस्ट्री बहुत कमाल की कहानी है उनके एंड सच अ वंडरफुल एक्टर इज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन आई हैव वेरी फ्यू पीपल हु आई जेन्युइनली इंटरेक्ट विद नामदेव इज वन ऑफ देम देयर इज अंजन श्रीवास्तव रवि किशन एंड दिस इज अ ओल्डर गैंग एंड और दोनों छोने

ऐसे ही बने रहिएगा एंड वी हैव सम रियली आवर आवर म्यूजिक इन चिड़ियाखाना इज दिस इज गाय कॉल्ड विवेक राजगोपालन ही आल्सो इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन बट एंड सडनली ही इज टर्नड आउट टू बी द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ चिड़ियाखाना सो आई वाज सो हैप्पी टू से मतलब विवेक तू कर रहा है क्या म्यूजिक यार मतलब हां यार मैं कर रहा हूं you know and he's done such a yeah. fabulous uh, if you want to end this program end with one of the songs from chidiya khana which he can hum yes please yes विसल द दिस संकोच उनके कैरेक्टर में है आपके में नहीं है huh. जिंदगी जिंदगी लगता है हम चलते हैं तो रास्ते नहीं मिलते हैं पर जिंदगी जाना तो रा रा Da -da 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 -da. wow आई एम सो सो ब्लेस्ड ब्लेस्ड वी आर देखिए यही लुत्फ है हमारे पेशे का बहुत सारे लोगों से आप लोगों के बहाने आप लोगों की तरफ से मिलने का मौका मिलता है आप लोगों ने अपनी जिंदगी की थोड़ी सी जर्नी बताई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने और अपने ललन टॉप टीम की थैंक यू टीवी और उम्मीद करता हूँ फिर मिलेंगे और ऐसे ही ईमानदारी से उबड़ खाबड़ किस्म की बातचीत करेंगे <laughs> बहुत शुक्रिया बहुत शुभकामनाएं ललन टॉप अड्डा पे गप चलती रहेगी आप बने रहिए हमारे साथ शुक्रिया